कि हम कहें कि 2 करोड़ नौकरी कहां है तो अमित शाह कहें 370, हम कहें 15 लाख कहां है तो अमित शाह कहें 370, हम कहें सड़क क्यों नहीं है तो 370, बिजली क्यों नहीं आई 370, पानी क्यों नहीं आया 370, गटर क्यों बह रहा 370, सब्जी महंगी हो रही 370, तेल महंगा हो रहा 370, बैंक बिक गया 370। ऐसी बेईमानी, इतनी बेशर्मी ये लाते कहां से हैं? कोई पकौड़ा तलने वाला आपको बोला है कि हमने अपने बेटे को पकौड़ा तलने वाला बनाएंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। पकौड़ा तलना भी रोजगार अगर है तो अमित शाह अपने बेटा का एक पकौड़ा का दुकान क्यों नहीं खुलवा देता है? उसको तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रहा है और हमको कह रहा है कि तुम्हारा बाप भी पकौड़ा तलता था, तुम भी पकौड़ा ही तलो। तुम्हारा बाप भी गटर में उतरता था, तुम भी गटर ही उतरो। तुम्हारा बाप भी खेती करता था, तुम भी खेती ही करो। हमारे करोड़ों लोगों के राज्य में चुनाव हो रहा है लेकिन उनका मुद्दा गायब कर दिया गया है, एक ही आदमी का फोटो दिख रहा है। सुबह उठिए, मोबाइल खोलिए, मोदी जी नमस्कार। घर से निकलिए, पेट्रोल पंप पे जाइए, मोदी जी मुस्कुराते रहिए। ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पे बैठिए, मोदी जी बोलेंगे हेलो। ट्रेन से उतरिए, स्टेशन से बाहर निकलिए, कहेंगे आपका स्वागत है दादर स्टेशन के बाहर। ऑफिस में पहुंचिए, नजर उठाइए तो आपका बॉस जो है भगवान की तरह उसका फोटो अपने सर के ऊपर लगाए हुए हैं। दिन रात एक आदमी का चेहरा आपको क्यों दिखाया जाता है? दिन रात एक आदमी का चेहरा आपको इसलिए दिखाया जाता है कि आपके सपने को उसके नाम पे खरीद लिया जाए। और आपका सपना क्या है? आपका सपना तो यही है ना कि मेहनत मजदूरी करने वाले का बच्चा भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो जब मेहनत मजदूरी करने वाला बच्चा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम भी एक दिन अंबानी बन सकते हैं, यही आप सोचते हैं ना? बने क्या? मेरा तो दादाजी भी सोचता था कि अंबानी बन जाए, फिर बाबूजी को भी लगता था कि अंबानी बन जाएंगे, हमको भी बहुत दिन तक लगते रहा कि अंबानी बन जाएंगे, बन तो नहीं पाए। आप गलत एम्बिशन जब लेकर के चलेंगे तो वो आप कभी नहीं पूरा कर सकते हैं। एक इंसान का एक ही एम्बिशन होना चाहिए कि ये मिट्टी हमारी है, ये देश हमारा है, ये देश जितना अमीरों का है ये देश उतना ही गरीबों और मजदूरों का भी है, क्या अधिकार हमको होना चाहिए। यह जो हमारा आत्मसम्मान का अधिकार है उस आत्मसम्मान की रक्षा हम कर सकते हैं। और उस आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए आपको अपने दिमाग को खोलने की जरूरत है और उसी दिमाग को बंद कर देने के लिए ये साजिश रची गई है कि आपके टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपया खर्च करके आपको यह बताया जाता है कि मोदी जी गरीब थे, मोदी जी गरीब थे, मोदी जी चाय बेचते थे, मोदी जी की मां मजदूरी करती थी, आप मजदूरी करते हैं, आप गरीब हैं। यह सवाल गायब कर दिया गया है। इसको कभी सोचे? आपका पैसा लेकर के हजारों करोड़ खर्च करके आपको बताया जा रहा है कि मोदी जी बड़े गरीब आदमी थे, मोदी जी ईमानदार हैं, मोदी जी बहुत बहादुर हैं। ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको ये ना पता चल सके कि इस बताने के प्रयास में बहुत कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आप एक चीज नोटिस किए हैं, किसी कपड़ा के दुकान पे जाएंगे तो शीशा में जो बंद कपड़ा होता है वो बहुत सुंदर लगता है, और सामने से जब वो कपड़ा लेने लगेगा तो आपको उतना सुंदर नहीं लगेगा, तब आपको गोलमाल समझ में आएगा कि शीशा में बंद जो कपड़ा है वो दिखाने के लिए है, बेचने के लिए तो ये माल है। मोदी जी का चेहरा दिखाने के लिए है, बेचने के लिए वही बेईमान, वही ठेकेदार, वही माफिया, वही चोर, वही भ्रष्टाचारी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। और वोट किसके नाम पे मांगा जाता है? वोट प्रधानमंत्री के नाम पे मांगा जाता है। उस पे जाकर के आप विचार कीजिएगा कि मोदी जी गरीब थे, हम गरीब हैं, हमारा सवाल क्यों नहीं है उसमें?
हमारे जो बाल बच्चों का भविष्य है वो उसमें क्यों नहीं शामिल किया गया है, इस बात पे विचार कीजिएगा। आपको वोट जिसको देना है उसको दीजिएगा। मैं आपके लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला करने नहीं आया हूं, और हमको पता है कि आप अपने तरीके से सोच करके ही वोट दीजिएगा। भाषण आप हो सकता है बहुत लोगों का सुन लेते होंगे, वोट आप अपने मन से ही दीजिएगा। सबके वोट देने के अपने अपने कारण होते हैं। जैसे मंदिर एक ही होता है लेकिन मंदिर जाने का कारण लोगों का अलग अलग होता है। कोई जूता चुराने के लिए जाता है, बेरोजगार नौकरी मांगने के लिए जाता है, जिसकी शादी नहीं हुई है वो शादी का मन्नत मांगने के लिए जाता है। मंदिर एक ही है, मन्नत अलग अलग है, उद्देश्य अलग अलग है। उसी तरीके से चुनाव एक ही है, वोटर इतने हैं, वोटर का वोट देने का अपना अपना तरीका अलग अलग है। कोई जात के नाम पे वोट देगा, कोई धर्म के नाम पे वोट देगा, कोई पैसा लेकर के वोट दे देगा, कोई बाटली लेकर के वोट दे देगा। हम जानते हैं कि वोट आप अपने तरीके से देंगे, लेकिन बस मैं आपको एक चीज कहने के लिए आया हूं, ये आजादी इतनी सस्ती नहीं है, ये लोकतंत्र, ये जमहूरियत इतना सस्ता नहीं है। अगर आप इसको इतना सस्ता बना देंगे तो एक दिन जिंदगी जो आपकी महंगी है वो बहुत महंगी हो जाएगी, इस बात को आप समझ लीजिए। ये अधिकार जो आज आपको मिला हुआ है, ये अधिकार किसी के भीख में नहीं मिला है। आपके जो पुरखे हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों की कुर्बानियों से ये आजादी मिला है। और ये आजादी को अगर आप बचाना चाहते हैं, इस लोकतंत्र को यदि आप बचाना चाहते हैं, तो चुनाव में लोगों के मुद्दे पे आपको वोट देना पड़ेगा। आपको अपने मुद्दे पे वोट देना पड़ेगा। और आपका मुद्दा ये नहीं है कि हम कहें कि 2 करोड़ नौकरी कहां है तो अमित शाह कहें 370, हम कहें 15 लाख कहां है तो अमित शाह कहें 370, हम कहें सड़क क्यों नहीं है तो 370, बिजली क्यों नहीं आई 370, पानी क्यों नहीं आया 370, गटर क्यों बह रहा 370, सब्जी महंगी हो रही 370, तेल महंगा हो रहा 370, बैंक बिक गया 370, ऐसी बेईमानी, इतनी बेशर्मी ये लाते कहां से हैं? और इस बेशर्मी को यदि आप बर्दाश्त करेंगे तो इतिहास आपसे सवाल पूछेगा। इतिहास आपसे पूछेगा कि जब जमहूरियत का गला घोटा जा रहा था, जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जो आजादी आपको 1947 में मिली, उस आजादी को जब गिरवी रखने का प्रयास किया जा रहा था, चंद मुट्ठी भर दौलतमंदों के घर में जब संविधान के अधिकारों को नौकर बनाने का प्रयास किया जा रहा था, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप आवाज उठाइए। अभी पीएमसी बैंक लूट गया है, खाता धारक आवाज उठा रहे हैं। मैंने देखा कि एक खाता धारक, मोदी जी तो मिले नहीं, उनके फोटो के चरण पकड़े हुए थे, फोटो में ही रहते हैं वो, फोटो में ही दिखते हैं। वो परिस्थिति आने से पहले आपको ये विचार करना पड़ेगा। और एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार जंगल में आग लग गई, बड़े बड़े जानवर या तो तमाशा देख रहे थे या भाग रहे थे। एक छोटी सी कोयल अपने चोंच में पानी भर के उस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास कर रहा था। बड़े जानवरों ने हंसकर कहा कि तुम्हारी छोटी चोंच से ये आग नहीं बुझने वाली है। उसने कहा, ये आग तो बुझेगी, आग कैसी भी हो उसको बुझना पड़ता है, नशा कैसा भी हो उसको उतरना पड़ता है, आग तो ये बुझेगी, लेकिन तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में और हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा है। कि हम कहें कि 2 करोड़ नौकरी कहां है तो अमित शाह कहें 370, हम कहें 15 लाख कहां है तो अमित शाह कहें 370, हम कहें सड़क क्यों नहीं है तो 370, बिजली क्यों नहीं आई 370, पानी क्यों नहीं आया 370, गटर क्यों बह रहा 370, सब्जी महंगी हो रही 370, तेल महंगा हो रहा 370, बैंक बिक गया 370, ऐसी बेईमानी, इतनी बेशर्मी ये लाते कहां से हैं?
कोई पकौड़ा तलने वाला आपको बोला है कि हमने अपने बेटे को पकौड़ा तलने वाला बनाएंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। पकौड़ा तलना भी रोजगार अगर है तो अमित शाह अपने बेटा का एक पकौड़ा का दुकान क्यों नहीं खुलवा देता है? उसको तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रहा है और हमको कह रहा है कि तुम्हारा बाप भी पकौड़ा तलता था, तुम भी पकौड़ा ही तलो।